नमस्कार सबको। एक क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन आप लोग देखिए जरा। क्वेश्चन कहता है कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। हैड हिज स्पीड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन द टाइम टेकन वुड हैव बीन 1 आवर मोर फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 km एट इज ऑरिजिनल स्पीड। क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस मैं साइड में लिख रहा हूं, देखिएगा कि ए 9, बी दिया हुआ है आपको 11, सी दिया हुआ है आपको 10, डी दिया हुआ है आपको 10। तो आपको ऐसे सवालों में अप्रोच कैसे लेना है? अगर बस आपसे ऑरिजिनल स्पीड स्पीड मांगता तो आप क्या करते हैं, उसको ऑप्शन पुट कर देते, एक इक्वेशन बना के। जैसे कि ए कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट सर्टेन स्पीड। हम स्पीड को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, ठीक है। स्पीड को क्या किया हम लोग, स्पीड को क्या किया हम लोग, एक्स माने, ठीक है, एक्स के एम पर आवर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इक्वेशन बनाना है हम लोग फटाक से। कैसे, इसको जल्दी से करना है कि पहले इक्वेशन बनाना है, 240 बटे x में से 8। ये क्या हुआ, मेरा टाइम हुआ। ये टाइम कितना ज्यादा है, 1 घंटा ज्यादा है। कब, जब ये ओरिजिनल स्पीड में चलता है। जैसे कि 240 बाय x बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 1, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब अगर अब आपसे क्या मांग रहा है कि वो आपको डायरेक्टली एक्स नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है कि 480 किलोमीटर में कितना आपको कितना टाइम में कितना स्पीड से आपको कवर करना है और कितना टाइम आपको लगेगा। तो आपको जाहिर सा बात है कि आपको एक्स का वैल्यू निकालना होगा यहाँ पे। तो आप एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बैठेगा क्वाड्रेटिक से, तो सुबह हो जाएगी, शायद टाइम ज्यादा लग जाए आपको। बताते हैं कैसे बनाना है आपको, आपको ऑप्शन देखने हैं। अब देखिए ऑप्शन देखिए, 480 और कितना आपको दिया हुआ है, 480 किलोमीटर ट्रैवल करने में लगा हुआ है, दिया हुआ है। अब आप इसमें से देखिए, पहला आपको हिट मारेंगे कहाँ पे, सी और डी ऑप्शन में, क्योंकि क्या हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है, कट रहा है 48। तो मेरा ऐसे में एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, स्पीड मेरा कितना आ रहा है, स्पीड ही निकालना है हम लोग को, स्पीड आ रहा है कितना। अगर हम सी ऑप्शन लेंगे तो कितना आएगा मेरा, 48, और डी ऑप्शन आएगा तो मेरा कितना आएगा, 60, ठीक है। आपको इसी स्पीड का वैल्यू पुट करना है यहाँ पे और इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे 240 बाय 48 है, 48 में से 40 गया, 8 गया, 40 आ गया, तो ये मेरा 6 आ गया। मैं से 48 और 240 बाय 48, 5 बराबर 1, मतलब क्या होगा, मेरा स्पीड 48 आ गया और मेरा टाइम ऑप्शन क्या होगा, मेरा सी होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शन से हिट करना है। अगर आपको ये चीज पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं और कि और कौन से टॉपिक्स पे ऐसे शॉर्ट वीडियो ला सकते हैं। थैंक यू।